जिन लोगों को कड़वी सच्चाई अच्छी नहीं लगती वो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर देना, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए है जो अपनी जिंदगी में सच में एक बदलाव चाहते हैं। जीत फिक्स। कितने अफसोस की बात है कि यहां पर तुम अपने मोबाइल में अपने स्टेटस पर स्टेटस बदल रहे हो, और कुछ ऐसे इंसान हैं जो रियल जिंदगी में तुम्हारा स्टेटस ऊपर उठाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। क्या है तुम्हारा मेन काम? व्हाट्सएप चलाना, टिकटॉक देखना या पबजी खेलना? लाइफ में जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तब क्या काम आएगा तुम्हारे? तुम्हारी एडिट की हुई डीपी, तुम्हारे दोस्तों के साथ किया गया टाइम पास या तुम्हारी मेहनत से लगी हुई नौकरी? जानते हो आजकल के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब भी किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा सपना क्या है तो बिना हकीकत जाने, बिना दिल की माने वो कुछ भी बोल देता है। मुझे यूपीएससी निकालना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बैंक पीओ बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है। बुरा मत मानना यार, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट भेड़ की तरह एक के पीछे एक लगे हुए हैं। जो आगे वाला इंसान कर रहा है बिना कुछ सोचे समझे उसकी सक्सेस देखकर हम भी उसकी कॉपी करने लग जाते हैं और बोल देते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से तुम अपना वक्त पे वक्त फालतू की चीजों में बर्बाद किए जा रहे हो ना, उस हिसाब से तुम्हें आज की दुनिया में बेरोजगारी और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। कितना सिंपली ब्लेम कर देते हैं हम लोग सिस्टम को कि जॉब कम निकल रही है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, लेकिन सोचो उन लोगों का कॉम्पिटिशन लेवल क्या रहा होगा जो आज श्रीमान रतन टाटा और श्रीमान नरेंद्र मोदी के नाम से जाने जाते हैं। वो लोग जहाँ पर भी जिस भी लेवल पर है उस पर तो सिर्फ एक इंसान ही हो सकता है, वहाँ तो किसी दूसरे के लिए स्पेस भी नहीं है। अगर ये महान लोग भी चाहते तो बड़े आराम से अपने सिस्टम को ब्लेम करते हुए तुम्हारी तरह आज मोबाइल में गेम खेल रहे होते, और हमें अपने देश में इस तरह के महान लोग देखने को नहीं मिलते। उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, गूगल करने बैठोगे तो अनगिनत महान लोगों के नाम निकल के आएंगे। हर फील्ड में लोगों ने अपना नाम कमाया है और बिना एजुकेशन लिए, बिना ज्ञान लिए वो भी शायद कुछ नहीं कर पाते। कुछ मेरे आलोचक ये भी बोलेंगे कि क्या मार्क्स लाना ही सब कुछ होता है, कितने लोगों ने नौकरी लग के अपना नाम कमाया है। तो उन भाइयों को मैं इतना ही बोलूंगा कि हो सकता है पढ़ाई सब कुछ ना हो, लेकिन वैल्यू मार्क्स की नहीं ज्ञान की होती है, और ऐसा शायद ही होता होगा कि अच्छे ज्ञान वाले के खराब मार्क्स आए हों। इसलिए इस पढ़ाई को सिर्फ मार्क्स और रैंक ना समझकर जिंदगी बदलने वाला ज्ञान का आधार समझोगे तभी तुम्हारी जिंदगी का मिशन सक्सेसफुल होगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, थोड़ा सा अपना थिंकिंग लेवल ऊपर करो यार। कुछ भी करो तो एक मिनट के लिए रुक के जरा सोचना और पूछना अपने आप से कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है? क्या वाकई में इतनी सी पढ़ाई या इतने थोड़े से ज्ञान से मैं इस दुनिया से कम्पीट कर पाऊंगा या वो सब हासिल कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूं? जवाब अगर हाँ में आए तो शायद ये वीडियो देखकर भी तुमने अपनी चार मिनट बेकार ही कर ली, और अगर ना में आए तो बस सोच लेना वक्त आ गया है अपने ज्ञान का हथियार घिसने का, अपने नॉलेज को बढ़ाने का और किताबों से दिल लगाने का। ऐसा करोगे तभी तो 40 साल बाद छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे बारे में भी ऐसे ही सुनेंगे जैसा आज तुम कुछ महान लोगों के बारे में सुनते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। Jeet Fix!